तो इसमें आप कौन कौन सी चटनी डालते हो? ऊपर से फिर से हमारे जम्मू में बनता, पहले आप भी बनाते थे? अच्छा, वाटर कूलर दिया था एक कुड़ी ने, मुट्ठी में है, सही बात है। रघु फ्राई मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ आपको। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस आज आ गया हूँ मैं एक और नए ब्लॉग के साथ। तो गाइस आज का ब्लॉग उससे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि गाइस आज मैं आया हूँ चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में मेरे को थोड़ा सा काम था, तो आज मैंने सुबह एक कुलचा खाया तो मेरे को काफ़ी टेस्टी लगा। तो आज मैं फिर से आ रहा हूँ दूसरी बार वो कुलचा खाने के लिए, और आपको भी दिखाऊँगा कि कैसा वो कुलचा बनाते हैं। बिल्कुल डिफरेंट बनाते हैं हमारे जम्मू से, तो मेरे को काफ़ी टेस्टी लगा, आपको भी मैं दिखाना चाहता हूँ। बहुत सामने रेडी दिखाई दे रही है आपको, बस हमें वहीं पे जाना है। तो वहाँ पर जाके मैं अभी आपको दिखाऊंगा और आपको मेकिंग दिखाऊंगा वो कुलचा कैसे बनाते हैं। सो अभी मैं पहुँच ही चुका हूँ, तो चलिए अभी अंकल से मिलाऊंगा मैं आपको, जहाँ पर काफ़ी सारी रेडी हैं, सभी एक जैसा ही है। तो मैं अभी ये अंकल के पास चलने जा रहा हूँ, तो चलिए अभी अंकल से मिलते हैं। पहुँच चुका हूँ अंकल जी के पास। तो मैंने सुबह भी इनसे कुलचा खाया, मेरे को काफ़ी टेस्टी लगा। तो अंकल जी पहले आप अपना नाम बता दीजिए मेरे को। मेरा नाम है बंटी। आप कहाँ पर रहते हो? रहते हैं सोंटी। सोंटी में रहते हो? तो अंकल जी का कुलचा बनाने का स्टाइल काफ़ी डिफरेंट है हमारे जम्मू से। तो जैसा कि आपको पता है हमारे जम्मू में जो भी कुलचा मिलता है वो छोलों वाला कुलचा मिलता है, बट यहाँ पर अंकल आपकी स्टफिंग मैंने देखी काफ़ी डिफरेंट है। तो इसमें आप कौन कौन सी स्टफिंग डालते हो? प्याज डालते हैं, गरम मसाला डालते हैं, टमाटर डालते हैं, मिर्चे डालते हैं, आलू डालते हैं। अच्छा, आलू भी डालते हैं भाई? हमारे वहाँ पर जो भी जम्मू में कुलचा बनता है वहाँ पर आलू नहीं डालते, सिर्फ छोले डालते हैं, पर यहाँ पर कुछ डिफरेंट ही दिखता है। बट ये देखिए आप अंकल जी आलू डालते हुए। तो भाई मैंने सुबह भी खाया, मेरे को काफ़ी टेस्टी लगा। आप भी कभी चंडीगढ़ वाली साइड आएँ तो अंकल जी से मिले, तो काफ़ी टेस्टी बनाते हैं अंकल जी। अभी टमाटर डाल रहे हैं। भाई अंकल जी का मसाला तैयार हो चुका है, अभी अंकल जी अपने कुलचे को तैयार करेंगे। थोड़ा सा तेल लगाया अंकल जी ने, उसको फ्राई कर रहे हैं थोड़ा सा हल्का हल्का। भाई अंदर डाली अंकल जी ने पहले मेयोनीज, उसके बाद कर रहे हैं स्टफ छोले कुल। भाई स्टाइल देखिए बनाने का, काफ़ी सही है, लाजवाब। ऊपर से फिर से मेयोनीज, और ये भाई रेडी हो चुका है। बनते थे वैसे हम भी बनाते। अच्छा, जैसा हमारे जम्मू में बनता पहले आप भी बनाते थे? अच्छा, यहाँ चलती नहीं है। यहाँ पे प्याज डालो, टमाटर डालो, मिर्च डालो, सब सर्कल करके बढ़िया करके तब देते हैं। तब देते हो? भागने कहीं वो नहीं, मिर्च मत पाओ तो नहीं पाएंगे, भागने कहीं वो नहीं की जैसे पाओ तो पाएंगे। और जो जो तैयार करिए सामने, भाग के सामने तैयार करते हैं। वही मैं देख रहा था आपका जो मसाला है, बार बार इसको बनाते रहते हो, लाइव बना रहे हो, ऐसे नहीं पहले का बना के नहीं रखा आपने? पहले बना के नहीं रखते हैं, भागने कहीं नहीं, मिर्च पाओ तो पाएंगे, नहीं पाओ तो नहीं पाएंगे। सही बात है, पाओ तो पाएंगे, नहीं पाना तो नहीं पाएंगे। चटनी किसी को अच्छी लगती है तो पाले, नहीं अच्छी लगती है कोई बात नहीं, हमारी रेडीमेड चटनी नहीं है, हमारी रोज की ताजी चटनी है। सही बात है अंकल जी। चलो अंकल जी मेरे लिए बना दो, मैं भी अभी टेस्ट करके बताऊँ अपने दर्शकों को कि मेरे को कैसा लगता है अंकल जी का कुलचा। वैसे मैं, हाँ जी अंकल जी बोलिए। मिर्च पाना है? नहीं, मिर्च पालो थोड़ी सी डालो, थोड़ी सी डालो। देखिए अंकल जी के पास अगर कोई भी कस्टमर आता है तो अंकल जी उनको पूछते हैं कि आपको मिर्ची चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको ऑयल कम लगाना हो तो फिर भी अंकल जी कम डाल के देंगे। तो ये आपके ज्यादा तला हुआ खाने हैं तो ज्यादा घी। हाँ, कोई अंकल जी को आप बता सकते हो आपके डबल रोटी होगी, ये भी नहीं होनी, पैसे होने की कल वाली, बिल्कुल मुट्ठी में कहीं कहीं कुलचा खाना, उन्हें की मुट्ठी में देके देखो मुट्ठी में है, सही बात है, बिल्कुल फ्रेश है, देख सकते हो वापिस कैसा ही हो गया, ऐसे हो गए देखो बिल्कुल, सही बात है। तो चलिए अंकल जी आप भी हमारे लिए बना लीजिए। देखिए अंकल जी के पास कस्टमर काफी आ रहे हैं। अरे मिर्च पाके बने,
तो अभी अंकल जी हमारे लिए मुझे 18 साल हो गई 18 साल हो गया आपको यहाँ पर, तो आप देख सकते हो। अंकल जी थोड़ा सा नींबू भी डाल दीजिएगा, अगर आपको नींबू भी चाहिए होगा तो अंकल जी को आपने बता देना, अंकल जी भर भर के नींबू भी डाल के देंगे, कुछ सब कुछ डाल के देंगे अंकल जी। इसको खट्टा खाने तो खट्टा खाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भाई ऊपर से अंकल जी ने मेयोनीज डाल दिया, ऊपर से अंकल जी नींबू भी डालेंगे, तो भाई काफी टेस्टी लगा मेरे को। मैं 2 दिन से अंकल जी के पास आ रहा हूँ, टेस्टी लगे तो देना, पैसे टेस्टी नहीं लगे ना पैसा भी मत देना। देख लीजिए भाई अंकल जी ने क्या बोला है, अगर आपको टेस्ट लगे तो पैसे देना, नहीं तो नहीं देना। नहीं देना, मैं तो हर हक पे कर देता हूँ। देखिए तो लीजिए भाई हमारा कुलचा हो गया रेडी। तो वैसे अंकल जी आपके इधर क्या बोलते हैं, कुलचा बोलते हैं? अच्छा, जहाँ पर भी अंकल जी बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कुलचा बोलते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ आपको अंकल जी का ये कुलचा कैसा है। वैसे तो मैं 2-3 बार खा चुका हूँ, काफ़ी टेस्टी लगता है मेरे को। तो चलिए अभी आपके सामने भी एक बार बता देता हूँ मैं। वाटर कूलर दिया था ये पुड़ी ने। पुड़ी ने दिया था? पुड़ी ने। और किस बात के लिए? ये कुलचा बढ़िया बनाते हैं तवा। नहीं नहीं, और रोजी पे खड़ा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, शाम का टाइम है। और क्या क्या मिला था? एक पुड़ी और एक मुंडे ने मुझे 151 इनाम में दिया था। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, और एक एक जैसे आंध्र प्रदेश का एक बंदा था, अच्छा उसने हेमंत नाम का, हाँ जी हाँ जी, हेमंत नाम का उसका डेडी था, हाँ हाँ, उसने रेलवे में, ठीक है, उसने एक जोड़ी कपड़े बनवाए थे। नहीं नहीं, तुम नहीं ना मानो तो हेमंत नाम का नंबर है, नंबर लगा के तुम बात करो। तो सही बात है भाई, हाँ। अंकल जी का जो कुलचा खाता है, जो जिसको कुलचा सही लगता है, अंकल जी को इनाम भी दे देते हैं। अंकल जी बता रहे हैं कि एक लड़की ने मेरे को वाटर कूलर दिया था, 14 रुपए का वाटर कूलर, 14 यही वाला ही था, ये नहीं है, वो टूट गया। अच्छा, वो टूट गया। हाँ। तो अंकल जी को काफी सारे दिक्कत करते हैं, तोड़ डालते हैं। अच्छा, वाले कहते हैं उन्हें रेडी मन लगाओ, और निकल जाए ढाबा में, हमारा ढाबा नहीं चलते हैं। अच्छा अच्छा, ये चक्कर से फ्रेश माल रखते हो और हमारा जो कैंटीन नहीं चलती है, ता करके रेडी ना लगाने देते हैं। अच्छा अच्छा, वो भी बहुत दिक्कत है, पुलिस वालों को देखना चाहिए भाई, एक गरीब बंदा आ रहा है यहाँ पर अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए, तो उसको लगाने देनी चाहिए, ऐसे रिस्ट्रिक्शन देते रहते हैं उनको, बेफालतू की। और कुछ बोलना चाहोगे अंकल जी? ये बड़े लोग है ना, कोई बड़े लोग ही जैसे ढाबा वाले के, सही बात है भाई, जिनकी पहुंचे भाई तो वो कर देते हैं कम्प्लेन। हाँ। तो बस जो छोटी छोटी रेडियां लगाते हैं, कार्ड कूड लगाते हैं बेचारे, उनके लिए दिक्कत डाल देते हैं। तो चलिए अभी मेरा कुलचा ठंडा हो रहा है, मैं जल्दी से टेस्ट कर लेता हूँ और आपको रिव्यू देता हूँ इस कुलचे। तो चलिए अभी अंकल जी का कुलचा ट्राई करता हूँ मैं, और आपको भी रिव्यू देता हूँ कि मेरे को उनका कुलचा कैसा लगा। हमारे खुद अखबार उठाते थे। अच्छा, और अब हमारे रेडी ने लगाने देते हैं भाई, काफी अच्छा कुलचा है, मजा आ गया कुलचा खाने का। मैं एक बार फिर से खाऊंगा अंकल जी के पास, दूसरा भी खाऊंगा मैं। तो इसमें प्याज का फ्लेवर काफी बर-बर के आ रहा है, आलू का फ्लेवर काफी बर-बर के आ रहा है, टमाटर का फ्लेवर आ रहा है, और साथ में हरी मिर्च का फ्लेवर भी काफी टेस्टी आ रहा है। तो भाई काफी टेस्टी है, तो चलिए मैं फटाफट इसको भी कम्प्लीट करता हूँ और आपको मिलूंगा थोड़ी बाद में इसको खाने के बाद। वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और आपको मिलूंगा आगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।